अब आ जाओ यहां पर, मोदी ने नेतन्याहू से कहा आतंकवाद के लिए दुनिया में जगह नहीं। सबसे पहली बात लिखो, व्हाट डू यू बाय वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया में क्या क्या देश शामिल है, व्हाट डू यू बाय वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिखो व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टर्न एशिया, पहला क्वेश्चन, पश्चिमी एशिया से आप क्या समझते हैं, पश्चिमी एशिया से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन निकालो। तो पश्चिमी एशिया मतलब, व्हाट डू यू मीन वेस्टर्न एशिया मींस जियोपॉलिटिकल, लिखो मींस जियोपॉलिटिकल, भू राजनैतिक, जियोपॉलिटिकल भू राजनैतिक, सो भू राजनैतिक का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय जियोपॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय जियोपॉलिटिकल, क्या होता है जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल क्या है, भू राजनैतिक क्या है, कितने लोग बता सकते हैं, पीएसआईआर ऑप्शनल वाले तो जरूर बताएंगे ना, जियोपॉलिटिकल वर्ड क्या है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि पश्चिम एशिया जियोपॉलिटिकल, सो इंटरव्यू में तुम एक लाइन में क्या जवाब दोगे, आज बताया था ना इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारी डे वन से चलती है, अब वो 10 के 10 मिस्टेक्स में थे, देख लो तुम्हारा कहां पे पाप कितना बड़ा है। तो मैं तुमसे पूछूं, जियो एशिया, वेस्टर्न एशिया है जियोपॉलिटिकल, व्हाट डू यू मीन बाय जियोपॉलिटिकल, लो तुम लोग नोट्स वोट्स में लिखते रहते हो, सिंपल सा हैंडल विथ केयर आर्ट को सीखो, कभी भी किसी भी भारी शब्द को देख के घबराया मत किया करो, ठीक है, ये घबराहट ही तुम्हारी ज्ञान को खत्म कर देती है। जियोपॉलिटिकल में दो वर्ड है, जियो एंड पॉलिटिकल, जियो का मतलब होता पृथ्वी, सिंपल तरीका सीखो, जियो का मतलब होता पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब होता उसकी भौगोलिक रेखाएं, यानी किसी भी देश की भौगोलिक सीमाएं, यानी फिजिकल बाउंड्रीज जो है वो क्या हो जाती है उसकी, जियो हो गए। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रेखाएं, हर देश की अपनी एक राजनीतिक सीमाएं होती हैं, यानी जब उसका फिजिकल मैप और उसका पॉलिटिकल मैप दोनों को कंसोलिडेट करेंगे तो वो जियो पॉलिटिकल हो जाएगा, समझ में आया। अब बाउंड्री है तो वहां डिस्प्यूट्स होंगे, बाउंड्री है तो उस बाउंड्री को बचाना, उस बाउंड्री को प्रसारित करना, बहुत ढेर सारा बवाल चलेगा। सो जियो पॉलिटिकल मतलब फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप, दैट मीन्स फिजिकल मैप का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन फिजिकल मैप, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, या डंडा दें काम भर का अभी, हाथ चलते रहना चाहिए। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन हमारा रहा वेस्टर्न एशिया, राइट, लिखो इसको तत्काल, वेस्टर्न एशिया क्या है, इसका मतलब क्या, कितने देश शामिल हैं, कितनी कंट्री शामिल हैं, बना लिया। जब मैंने कहा कि दिस इज जियोपॉलिटिकल वर्ड है, किसी भी चीज को पढ़ने का यहां पर सिस्टम होता है जियोपॉलिटिकल, जियो में जियो मींस फिजिकल मैप, अब जरा देखते जाओ, और ये मतलब हो गया पॉलिटिकल मैप, ठीक है, पॉलिटिकल मैप, अब जरा ध्यान से देखो इसको, फिजिकल मैप का मतलब हो गया यानी भौतिक जो मैप है इसका मतलब हो गया पर्वत, पठार, नदियां, रिवर्स, जो भी वहां का सिस्टम है, कोई सी है, यस, कोई ओशीन है, यस, जो भी है, कोई स्ट्रेट है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल में कोई स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब जल संधि, कोई स्ट्रेट है, बे है, ठीक है, या जल संधि है, मान लो स्वेज नहर है, या कोई स्ट्रेट है, पनामा स्ट्रेट है, तो कोई स्ट्रेट या जल संधि, खाड़ी, बे, कोई ऐसी चीज है क्या, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है लेकिन वो राजनीतिक विवाद बन सकती है, विच इज अवेलेबल एट द नेचुरली बट कैन टर्न इन टू द पॉलिटिकली, जैसे भारत पाकिस्तान में जो रन ऑफ कक्ष है, तो रन ऑफ कक्ष क्या है, एक क्रीक है, क्रीक मतलब लैंड और वाटर आपस में जुड़े होते हैं, ये आपका क्रीक है, ये रहा लैंड, ये रहा वाटर, तो क्या हो रहा है उसमें सीमाओं को बांधना बड़ा मुश्किल होता है, दलदल पानी घूमता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, जो रन ऑफ कक्ष है, जो क्रीक है, जिसे सर क्रीक कहा जाता है, वो कौन सी जगह है, सर क्रीक, एक क्रीक विवादित है, उसका नाम है सर क्रीक, नहीं लिख, फिर सुन रहे हो, अभी छूट जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने सुन रहे जैसे लग रहा, बड़ा याद रहेगा तुम्हें, बोलता जा रहा हूं, मेरी तरफ चेहरा नहीं करना है, तुम्हारा काम है कॉन्स्टेंट होकर लिखते रहना। तो भारत पाकिस्तान में मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, क्रीक, तुरंत, मतलब मेरी तरफ अगर मुंह किया तो डंडा फेंक के मारूंगा, आपका पेन चलना चाहिए और आप एक एक कॉपी चेक करेंगे, अगर नहीं लिखा, क्रीक हुआ, क्रीक मतलब वाटर और लैंड आपस में दलदल के रूप में जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद क्या मैंने बताया, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद कौन है, सर क्रीक का, तो ये पूरे देश में विवाद, दुनिया में विवाद का कारण। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है बाउंड्रीज, जो उसकी राजनीतिक सीमा है, राजनीतिक सीमा मतलब जहां उसकी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता जुड़ी होती है, तो ये क्या होता है,
तो जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में एक राजनीतिक सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, तो वो क्या है? विवादित है। जैसे भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन विवादित है। इसी तरह कई देशों की सीमाओं का क्या होता है? विवाद होता है। सो ये हो गया पॉलिटिकल। सो जब भी कोई वर्ड यूज किया जाएगा, जियो पॉलिटिकल मीन्स नेचर, नेचुरल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बोथ मिक्स्ड। अब पॉलिटिकल में क्या होगा? अवैध अप्रवासन की समस्या होगी, इलीगल माइग्रेशन की समस्या होगी, रिफ्यूजी की समस्या होगी, बाउंड्री डिस्प्यूट्स होंगे, बाउंड्री डिफाइन नहीं होगी, नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बवाल होगा, नदी एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, दोनों के बीच में मारकाट मची रहेगी, जैसे हाँ जी जैसे तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी भारत पाकिस्तान के लिए। तो आपको जब भी जियोपॉलिटिकल वर्ड यूज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों चीजें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ओके, यस या नो? अभी भैया बहुत दूर है तुमसे आईएस, बड़ी कठिन है क्या डगर पनघट की? पॉलिटिकल मैप में और क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। ए वो कहाँ है जिसके बिना मैं बड़ा अधूरा महसूस करता हूं? हाँ च्यवनप्राश, जब भी वो मेमोरी का लॉस दो बार लें च्यवनप्राश। हाँ जी बताएं, क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण छूट रही है पॉलिटिकल में? बॉर्डर हो गया, पॉलिटिक्स डन बाय द ह्यूमंस एंड ह्यूमन हैज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मींस उसकी अपनी थॉट प्रोसेस। तो ये बताओ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बीच में डिस्टर्बेंस में जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज नहीं सबसे बड़ा काम करेंगी? कुछ देश जो होंगे वो पूंजीवादी ब्लॉक में होंगे यानी कैपिटलिस्ट ब्लॉक में होंगे, और कुछ समाजवादी ब्लॉक में, कुछ कम्युनिस्ट ब्लॉक में होंगे, यस या नो? तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं ही तो इस विवाद का कारण बनेंगी भाई। चाहे ईरान हो, लेबनान हो या हो यमन, उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इसराइल यहूदी आइडियोलॉजी, अमेरिका क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, पूरी लड़ाई मारपीट चल रही है कि नहीं चल रही है? अगर पश्चिमी एशिया के देश अगर ये करे तो ये आतंकवाद है, इसराइल दैत दबादा बम गिराया जा रहा है तो ये मानवता के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। युद्ध कभी मानवता के लिए लड़ा जाता है क्या? हद हो गई यार, जब मानव ही नहीं रहेगा तो मानवता का क्या करोगे? ठीक है, तो ये सब क्या है? ये जो चाहे रिलीजन हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे सेक्स हो, जितनी भी चीजें, ये क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का पार्ट है। तो जब भी आप किसी भी कंट्री, आज के बाद जब हम पढ़ेंगे, टेक योर टाइम, तो आप उसको क्या कहते हैं, डिसेक्शन करेंगे उसका, सर उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। किसी शब्द को मत सुन लेना कि दिस इज अ लेबनान। लेबनान के अंदर जाओगे तो कुछ समय पहले यह क्रिश्चियन बहुल देश था और वहां पर यही अवैध प्रवासन की समस्या शुरू हुई। उसने प्रवासियों को अपने यहां बसने दिया और वहां से उन लोगों ने ग्रुपिंग की और इसी देश के खिलाफ एक क्रांति क्रिएट, उसी देश के खिलाफ क्रांति कर दी। लेबनान को पार्टी जो है कंट्री ऑफ पार्टी बोला जाता था, पार्टी होती थी यहां पर बहुत जबरदस्त, और वहां पर एक नई आइडियोलॉजी ने जन्म ले लिया और देखो फिर क्या हुआ उस क्षेत्र में, बवाल। तो किसी भी देश को आगे से क्या करना है, हमें इतने पार्ट में देखना है, वहां की इकोनॉमिक्स कैसी है। पॉलिटी में इकोनॉमिक्स नहीं आती है? किस तरह की इकोनॉमिक्स है? मान लो पूरे वेस्टर्न एशिया में तुम तेल का खेल ही देखोगे और तेल केवल कुछ शेखों के पास है, वो इसके पास इतना अबेंडेंट पैसा इकट्ठा हो गया कि उन्होंने इस तेल के पैसे को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगाना शुरू कर दिया। वहाबिज्म को, सलाफिज्म को बढ़ावा देने में उन्होंने जो है क्या फंडिंग में उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो ये एक बहुत बड़ा सेटअप जो है वो क्रिएट हो जाता है। डन हो गया यहाँ पे? हाँ पूछो। मानवता, मानवता जी के नहीं, मानवता, मानव मानवता के लिए लड़ाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर बात है आप टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहे हो। कल भारत में कश्मीर में जो मारा गया है हिजबुल्ला का लीडर, उसके लिए समर्थन में रैलियां निकाली गई हैं। अब भारत एक ऐसा देश है जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है, भारत में बवाल मच गया कि भैया उसके लिए क्यों यहां पर बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका जब तुम्हारे वैज्ञानिकों की हत्या करता है तो वो कहता है ना कि भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट ना बना पाए, तुम इसे सही मानते हो गलत मानते हो?
हर किसी देश के कई आइडियोलॉजीज, जैसे हर देश को अपनी सोवरेनिटी की रक्षा करने का अधिकार है, बट जब वैश्विक युद्ध में जाते हो, इसलिए क्योंकि न्यूज में यह कहा गया कि युद्ध का हमारा समय नहीं है, ठीक है, ये अभी यही तो न्यूज हम पढ़ा रहे हैं, पहला हमारा पॉइंट यही है, तो ये युद्ध का समय नहीं है, इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो सवाल ये नहीं, सवाल है आइडियोलॉजीज क्या है, किसने ज्यादा मारा, कहां तक जा रहा है वो अपने आप। अगर मैं बात करूं कि हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, तो फिर संसार में कोई नहीं बचेगा, संसार में कोई नहीं बचेगा, और युद्ध ही उसका विकल्प है, युद्ध उसका विकल्प है। गलत कौन है, सही कौन है, ये बात की बात है। अगर तो फिर तो हर देश अपनी रक्षा कर रहा है, मारो पीटो खत्म करो सबको, कहां तक मारोगे और कितना मारोगे, सवाल ये है। पता नहीं क्या कर रहा है, उसका तो पता ही नहीं चल रहा कहां गया, वो बेच बेच के चले गए हमें लग रहा है, सब सब्सिडी पे दे दिए उसको। चलो, यूनाइटेड नेशन का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसकी तो खबर भी पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, अब जो मुद्दा है वो यहां ध्यान से देखो, हमारे लिए क्या कंसर्न है, हमारे लिए कंसर्न है ये बात क्यों कही गई है कि युद्ध का समय नहीं है। और मैंने हमेशा इस क्लास में कहा कि आने वाले समय को अगर कोई बचा सकता है तो केवल इंडियन कल्चर ही बचा सकता है, क्योंकि सहिष्णुता का मूल आधार सिर्फ हमारे कल्चर में। उसका कारण बताता हूं, ये इशू क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ये सिर्फ दो लाइनों से। नंबर वन, वेस्टर्न एशिया में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं, लिखो, मोर देन 1 करोड़ पीपल लिव इन वेस्टर्न एशिया, इंडियन डायस्पोरा। समझ में आया, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय पश्चिमी एशियाई देशों में रहते हैं, क्यों गए, लिखो, वाई वाई, एजुकेशन के लिए नहीं गए हैं, जॉब के लिए गए हैं, याद है, जॉब के लिए। तो पहली बात, क्वेश्चन लिखो, रेमिटेंस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू बाय रेमिटेंस, रेमिटेंस किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि भारत दुनिया में रेमिटेंस के मामले में नंबर एक है। रेमिटेंस यानी जब कोई भारतीय बाहर जाकर अपने देश में पैसा भेजता है तो रेमिटेंस होता है, लिखो, रेमिटेंस का पैसा किस अकाउंट में जोड़ा जाता है, लिखो, द मनी फ्रॉम रेमिटेंस कम्स अंडर किस में जोड़ा जाएगा, जीडीपी में तो सब कुछ शामिल है यार, बोले हर चीज तो ऊपर वाले की, बात खत्म, पैसा आ जाओ, हाँ ऊपर वाले को सब पता है, तो मैं पढ़ के क्या करूंगा। हाँ जी, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, रेमिटेंस का पैसा किस अकाउंट में जाता है, कहाँ ऐड होता है, हाँ बताइए, कुछ पूछ रहा हूं, फॉरेक्स में जाता है, कहां जाता है, फॉरेक्स में जाता है, फॉरेन एक्सचेंज में हमारे रिमिटेंस का पैसा, लिखते जाओ रिमिटेंस, तो ये लोग क्या बेचते हैं, सबसे बड़ा रिमिटेंस हमारा यहीं से आ रहा है आज की डेट में, क्योंकि ये जो लोग जा रहे हैं, ध्यान रखना, अभी आगे एक न्यूज आएगी अमेरिका की, तो इन दोनों देशों में भारतीयों के जाने का क्रम अलग अलग है। वेस्टर्न एशिया में हमारे यहाँ अर्ध कुशल या अकुशल श्रमिक जाते हैं, तुमने देखा गांव देहात का, कहाँ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, ऐसे होता है ना, यूएई जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमा के भेजेंगे, और वो लोग इलीगल रूप से भी कई बार जाते हैं, कई बार वो मुसीबतों फंस जाते हैं। अमेरिका भी एक वर्ड यूज़ करेगा आगे, अभी देखो आज न्यूज़ आई है, यूएस यूज करेगा, वो कुशल श्रमिक लेगा, यू आर हाईली सोफे, आपको बाहर बुलाएगा MIT पढ़ने के लिए, तो MIT गांव देहात का बच्चा थोड़े जा रहा, गरीब का बच्चा, वो जो क्वालिफाई करता है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप देते हैं वो, तो ये लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो दोनों के बीच में अंतर है। तो हमारे जो अर्ध कुशल है, जैसे नर्सेज हो गई, सेमी जो स्किल्ड हैं, या स्किल्ड जो बहुत लोअर स्किल में जिसके हैं, वो यहां उसके रूप में जाते हैं, और वो जब जाते हैं तो बड़े पैमाने पर पैसा क्या करते हैं, अपने परिवारों को भेजते हैं, वो मुझे कुवैत में जाके काम करा, अभी आपने देखा कुवैत की एक बिल्डिंग में आग लग गई जहां भारतीय मजदूर रह रहे थे, पढ़ा था न्यूज़, तो वो बड़ी दुर्दशा वाली अवस्था में भी वहां रहते हैं, बड़ी मुश्किल हालत में भी रहते हैं।
लेकिन वो अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, वो पैसा रेमिटेंस का पैसा होता है। कहां जाता है? फॉरेक्स में, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में गिना जाता है। चलो नेक्स्ट लिखो। दूसरा, वेस्टर्न एशिया इज वंडरफुल या बहुत मस्त फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी। किसके लिए? क्या लिखा है लाइन? बस ये दो लाइन इस पूरे न्यूज की काम की है, ठीक है। 60% तेल, 60% क्रूड ऑयल, 60% क्रूड ऑयल, 60% क्रूड ऑयल कहां से लेता है? कम फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। अब मेरा क्वेश्चन अगला लिखो। क्वेश्चन लिखो, जल्दी से खत्म करो इसको। ये दोनों क्या हैं? इसमें क्या चीज होती है? 2011 2013 दोनों का क्वेश्चन है। नॉर्थ ब्रेड क्रूड ऑयल किसे कहते हैं? वेस्टर्न एशिया से कौन सा आता है? तीसरा, एटीएफ क्या है? एयर ट्रैफिक फ्यूल। तीनों लिखो, यहां से क्वेश्चन आता है ऐसा। 2011 प्रीलिम्स का क्वेश्चन खोलो जरा। अक्सर चर्चा में रहने वाला नॉर्थ ब्रेंड क्रूड ऑयल में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई जाती हैं, किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? 2011 आईएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन खोलो। चलो हाँ, क्या हुआ? इसको बंद करो, हीट हो गया होगा। नहीं, वहां से मेन स्विच ऑफ करो, देवेंद्र को फोन करो। हाँ जी, मिला 2011 आईएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, निकालो। पेपर नहीं खुल रहा तुम लोगों से? कहा था ना डेस्क पे रखो। मिला? अक्सर चर्चा में रहने वाला नॉर्थ ब्रेंड क्रूड ऑयल क्या होता है, उसमें क्या चीज होती है? किसको किसको मिला? जल्दी से, तभी आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन, इसमें कंपोनेंट क्या पाया जाता है और ये क्या हार्म करता है? तो 60% ऑयल कहां से आ रहा है हमारा? वेस्टर्न एशिया से। तो इसमें लिखा है 60% तेल आता है। कैसे आता है? कैसे आता है क्वेश्चन है, अभी अगला क्वेश्चन बता रहा हूं जो इस बार मेंस में आने वाला है और एक आ चुका है। अब इसमें क्वेश्चन लिखा है कि ऑयल, जल्दी से उसको ढूंढो। मिला? 2011 का पेपर ही नहीं मिला तुम लोगों को? 2011 का पेपर नहीं मिला तुम लोगों से? पहली बार पीवाईक्यू खोल रहे हो ना? सोचो अगर तुम लोग अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते तो तुम्हारी स्थिति क्या होती। यहां इतना दबाव, इतनी डांट खाने के बाद वो देखो कैसे दांत निकाल रही है, उसको आता जाता कुछ नहीं है, वो दांत ऐसे निकाले जैसे कॉमेडी शो चल रहा है उसका। अभी यहीं सामने खड़ा होकर चार क्वेश्चन पूछ लूंगा, शाम तक कांपती रहेगी। अपनी बेशर्मी पे क्यों हंस रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 31, देखो पढ़ रही है ये, ठीक है। पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ब्रेंट क्रूड ऑयल अक्सर चर्चा में रहता है, हाँ। ऑप्शन पढ़ो। चार ऑप्शन दिए हुए कि ये कहां से पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है। ये नॉर्थ सी ऑयल कहलाता है, इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। ये चीज आपसे पूछ रहे हैं कि जिस चीज को यूज कर रहे हो वो कैसे यूज कर रहे हो। तो जब मैंने कहा कि 60% तेल वहां से आ रहा है, इसमें लिखा है, सवाल है कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? दो, एक शिप से। तो शिप से आ रहा होगा तो उड़ के आ रहा होगा, या तेल जो है लोग डब्बे डब्बा भर लाते होंगे जो गए हैं यहां से वेस्टर्न, है ना। शिप रूट क्या है वेस्टर्न एशिया से? वेस्टर्न एशिया से शिप रूट क्या है? बोले कहीं पाकिस्तान में घुसे, अफगानिस्तान से लेफ्ट मारा, असर यहां पंजाब में आ गए, उतार दिया, ऐसी ना। हंस रहे होगे तुम लोग। तो ये बताओ तेल आने का रूट क्या है?
तेल आने का रूट क्या है? वेस्टर्न एशिया से तेल कैसे आएगा? मोस्टली कंट्रीज लैंडलॉक्ड है। अरे कम से कम मैप खोल के देख तो लो शकल, वहां ऐसे ढूंढ रही जैसे लग रहा है दुबई यही बना दोगी। हाँ वर्ल्ड मैप डेली खुला होना चाहिए इस पे। हद दर्जे के तुम लोग जो है वो, लिटरली कह रहा हूं, तुम्हारा टैलेंट गुरुकुल थोड़ा खींच खांच के निकाल रहा है, तुम ऑलरेडी सूखा हुआ नींबू हो, संभावना कुछ ज्यादा है नहीं लग रहा है। प्लीज, एक ही जगह है और उसको बोलते हैं हरमुज जल संधि। क्या बोलते हैं? हरमुज। और यह बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है। तो पहली बात, जल संधि किसे कहते हैं? क्या होता जल संधि? स्टेट किसे कहते हैं? लिखो, क्वेश्चन लिखो। हरमुज की लोकेशन क्या है बताओ? इतना चाबहार के साथ हमने बातचीत की, यूपीएससी वालों ने बेशर्मी से क्वेश्चन भी पूछ लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अलग ही चल रहा है सेटअप। तुम लोगों से अभी चार पिक्चरों के बारे में, चार हीरो हीरोइन के अफेयर के बारे में पता कर लें, अभी जीप निकाल निकाल बताओगे। ये नहीं समझ में आ रहा, हरमुज मिला कि नहीं मिला? कौन सी है? पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी मिली? तो कभी सोचा तेल आया कहां से? तो वो वाई, उसकी हिस्ट्री पढ़ो, वाई इट इज डिस्प्यूटेड। कौन सा चाइना पाकिस्तान का प्रोजेक्ट उसको रोकने के लिए काम कर रहा है? स्ट्रेट के नियम क्या होते हैं? अभी आज से कुछ दिन पहले ईरान ने कहा अमेरिका से कि हरमुज से तेल निकालना बंद कर देंगे। अमेरिका ने कहा पूरा ईरान उड़ा देंगे अगर तुमने हरमुज को बंद किया तो। आखिर ये स्ट्रेट्स कैनाल्स पे, बेस पे रूल्स कौन से लागू होते हैं? अमेरिका ने कहा पूरा ईरान उड़ा देंगे अगर हरमुज बंद किया तो। इसको काउंटर करने के लिए सीपीईसी कहां है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी शुरुआत कहां होती है? ग्वादर। कहां है ग्वादर? उसी के आगे जाके देखो, ग्वादर तुम्हें मिलेगा, कराची बंदरगाह जिसे कहा जाता है, ग्वादर, जो कभी पार्टीशन से पहले हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब हुआ करता था। मिला? दूसरा, एक नया इनिशिएटिव लिया गया है विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है पाइपलाइन। मुझे बता सकते हो वेस्टर्न एशिया का कौन सा देश भारत के साथ पाइपलाइन नेटवर्क काम कर रहा है? और उस परियोजना का नाम और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत चर्चा में चला, गले मिले, हमने बात की। कौन सा पाइपलाइन वेस्टर्न एशिया और इंडिया में, वेस्टर्न एशिया का कौन सा कंट्री है जिसके साथ हम बात करें? क्योंकि ये पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सस्ता पड़ता है। 2011 का पेपर खुला हुआ है? हाँ खुला हुआ है। अब देखो यहां तक हो गया, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये मेंस का क्वेश्चन बनने की चांसेस इस बार, या प्री का क्वेश्चन इस बार आएगा, बताता जा रहा हूं कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है। कोई लिख रहा है तापी, बताओ हम बात करें वेस्टर्न एशिया से, यहां पर एक सज्जन है रिया, ये लिख रहे हैं तापी, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, कहां लैंड है कहां ओशीन है? कतई जो है ग्लोब की ऐसी तैसी, पृथ्वी निकल के एक झापड़ मार देगी किसी दिन, तुम्हारे बाल बिगाड़ दे, तुम्हें बहुत बुरा लगता है और तुम उसका नक्शा बिगाड़ो। तापी बताओ कहां लैंड से जा रही, तुर्कमेनिस्तान कहां है पता ही नहीं चल रहा इनको, वेस्टर्न एशिया में इनका तुर्कमेनिस्तान है। तो मध्य एशिया क्या है भाई? ये वही स्टूडेंट है जो जाकर जो है उल्टे सीधे टिक लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे यूपीएससी बहुत कठिन है, कोचिंग खराब है, मास्टर साहब तो एकदम गिरे हुए, अपना कभी भी शक्ल नहीं देखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहा कि कहां से वेस्टर्न एशिया कहां है, ये स्थिति है। लिख लिया, अब एक क्वेश्चन और लिखो। जब ये शिप से ऑयल जाएगा तो ऑयल में क्या होता है, ऑयल और वाटर के बीच में कैसा सेक्शन होता है? एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको बोलते हैं ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर से ज्यादा होता है कम होता है, जिससे पूछो जवाब देगा। हाँ मैडम, ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर से कम होता है ज्यादा होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, हिंदी वाले पृष्ठ तनाव। हाँ जी मैडम, हाँ दांत निकाल रही थी, बताओ कम होता है उससे क्या होगा? पानी पर तैरता रहता है। इसका अनुप्रयोग हम कहां करते हैं? एक दिन गर्ल्स हॉस्टल आया था, सामने पानी रुका हुआ था, बच्चर थे, मैंने कहा कुछ नहीं इसमें केरोसिन या पेट्रोल डाल दो,
सारे अंडे डूब जाएंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जहां जहां पानी में मच्छर के अंडे लार्वा होते हैं वहां सरकार कहती है ना पेट्रोल डाल दो, केरोसिन डाल दो, तो क्या होगा? प्रश्न तनाव जो इसका होता है कम होता है। तुमने देखा ना तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेसर देन वाटर, हो गया पहला। अब इसका फायदा क्या होगा? इससे क्या होता है, वेसल्स आपने देखा होगा एक्सीडेंट में पलट जाते हैं, डूब जाते हैं, इससे एक नया चीज जन्म लेती है, इसको बोलते हैं ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल, तेल का फैलाव। जब ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो है सबसे ज्यादा ऑयल स्पिल हुआ था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब ऑयल स्पिल के ओशिनिक डिजास्टर्स बताइए, पहला ओशिनिक डिजास्टर बताइए। ऑयल स्पिल अगर हो गया, तेल फैल गया पानी में, कोई जहाज पलट गया, उससे समुद्री पर्यावरण को क्या नुकसान होगा? अरे अभी 4-5 पॉइंट लिखवाएं, हाँ एक लाइन बोल के फिर बोलना सर मुझे 150 नंबर का मैंने क्वेश्चन किया, ऐसे करना बिल्कुल। 5 पॉइंट लिखो कम से कम, 5 पॉइंट्स ऑयल स्पिल के क्या एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं। दूसरा, इस ऑयल स्पिल को पोछा मार के तो हटा नहीं सकते, कि जैसे घर में तेल गिर गया मम्मी का पोछा मारो, तो कैसे हटाओगे? एक टेक्नोलॉजी, इसको ऑयल जैपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल जैपर। 2011 का क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 65, क्वेश्चन नंबर 65, 2011, ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इसको बायोडिग्रेडेबल में कन्वर्ट कर देता है, दिस इज नोन एज ऑयल जैपर, ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी। आया है? दिखा? फिर 2013 में एक क्वेश्चन आ रहा है, इस मेथड को बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन, ठीक है, तो बायो रिमीडिएशन। क्या बोलते हैं इसको? बायो रिमीडिएशन। लिखो, बायो रिमीडिएशन क्या होती है? बायो रिमीडिएशन किसे कहते हैं? ऑयल रिफाइनरीज में यह टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, बायो रिमीडिएशन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बायो रिमीडिएशन? हिंदी में भी रिमीडिएशन ही लिख लो। वंडरफुल क्वेश्चन आया है, मेंस में भी आया और प्री में भी आया है, बायो रिमीडिएशन। तो ये हो गया आज के लिए।